नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। उत्तराखंड के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ों में बर्फबारी भी हो रही है, तो वहीं इन दिनों राज्य में चारधाम की यात्रा भी चल रही है। मौसम खराब होने के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही है। बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम वाले रूट में कुछ श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। ऐसे में बता दें कि ठंड के चलते एक श्रद्धालु आकार सिंह का ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया। दरअसल मंगलवार को श्री केदारनाथ में तैनात एसडीआरएफ को सूचना मिली कि एक श्रद्धालु के अस्वस्थ होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका स्वास्थ्य और अधिक गंभीर होने के कारण तत्काल हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। बता दें कि स्ट्रेचर की मदद से उन्हें हेलीकॉप्टर के पास ले जाया गया। इसके बाद बीमार श्रद्धालु को हेलीकॉप्टर से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहीं अस्पताल से बीमार श्रद्धालु का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो रहा था, जिसके लिए उन्हें दो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ स्ट्रेचर के माध्यम से एसडीआरएफ टीम द्वारा नीचे लाया गया। वहीं रास्ते में आते वक्त ऑक्सीजन का एक पोर्टेबल सिलेंडर पूरी तरह खत्म हो गया, वहीं दूसरा भी जल्द खत्म होने की कगार पे था। ऐसे में स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम के जवान आरक्षी हिमांशु नेगी द्वारा सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए भागकर 400 मीटर की दूरी से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर फिर से हेली के टेक ऑफ करने से पहले ही भागते हुए अस्वस्थ श्रद्धालु को उपलब्ध कराया गया, जिससे उनके अनमोल जीवन की रक्षा हो पाई। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं से सुरक्षित रहने की अपील की है। सरकार ने कहा कि बारिश और बर्फबारी के चलते मौसम बहुत खराब है, रास्ते में फिसलन बढ़ गई है, श्रद्धालुओं का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यात्रा करें। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।